सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? तो फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है 15 अगस्त और मैं आज जा रहा था पूरे भोपाल में घूमने के लिए, तो सोचा कि घूमते घूमते आपको ब्लॉग भी बनाकर दिखा दूं। तो मैं अभी आ चुका हूँ VIP रोड, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। ये VIP रोड की कुछ व्यू है। ये VIP रोड पे दोनों तरफ तिरंगा ही तिरंगा है, और सामने से अगर देखो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सामने से। बाकी ये वीडियो में आपको भी देखने को मिल रहा है, वीडियो में कुछ अच्छा लगना ही चाहिए। और दिखाते हैं आगे चल के और आपको। बाकी ये देखिए, VIP रोड है, भोपाल की है। यूँ कहे तो भोपाल की ये जान है। कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, इस रोड को सजा दिया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है ये। आप लोग यहाँ पे आइए, देखिए, ये राजा भोज का मूर्ति है। और ये जितना दूर तक तो देखोगे पानी ही पानी है। बस इधर रोड है बीच में, और मैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आया था। 15 अगस्त को घूमने आया था और मैं घूम रहा था ऐसे पूरे। तो आगे पुलिस वाले भी हैं यहाँ पे, वो भी आए हैं एंजॉय करने के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पुलिस वाले भी आए हुए हैं। आज सबको आज़ादी है भाई, आज कोई ड्यूटी में नहीं रहता है, सारे लोग आज़ादी मनाते हैं भाई। आज खुल कर जीना होता है भाई। आज आज पूरे 75 साल हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, 76 साल चलने वाला है अब। और आगे चलिए और दिखाते हैं आपको वीडियो में। बाकी वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना, और कहाँ कहाँ का वीडियो देखना चाहते हो ये भी कमेंट करके बताना। तो चलिए चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको सब कुछ इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। बाकी दिखाते हैं आगे। हे गाइस, सॉरी मैं हूँ VIP रोड पे, और यहाँ पर मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ 15 अगस्त का। तो आप लोग देखो और इंजॉय करो ब्लॉग को, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कुछ कुछ। अच्छी लगे भाई लाइक करना और आगे दिखाते हैं। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ लाल घाटी, और यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर। थोड़ी सी लंबी चढ़ाव है, पहाड़ पे है ये। देखिए यहाँ से इंटर होगा लाल घाटी के लिए, ये बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से अपन इंटर होंगे। यहाँ से रोप से जाना चाहते हो, यहाँ से रोप से जा सकते हो, और गाड़ी से आए हो तो गाड़ी से अपने जा सकते हो। तो मैं अभी आया हूँ स्कूटी से अपने, और जा रहा हूँ ऊपर। और ये देखो आप, रास्ता बहुत ही ऊपर चढ़ाव है ये, तो ऊपर चल के दिखाते हैं आपको। आना एंजॉय करना, और ये बहुत ही अच्छा यहाँ से व्यू आता है, मैक्सिमम पूरा भोपाल ही दिखता है इस पे से। तो चढ़ते हैं ऊपर, अभी चढ़ के आपको दिखाते हैं और कुछ। अभी देखते हैं चढ़ रहा है कि नहीं स्कूटी, चलिए चल के ऊपर दिखाते हैं आपको। सो गाइस, अभी मैं फाइनली चढ़ चुका हूँ ऊपर, और चल के दिखाते हैं आपको लाल घाटी का कुछ व्यू। और भी जितने भी प्यारे लोकेशन होगा सब इस वीडियो में कैप्चर करेंगे, तो चलिए पीछे के कैमरे से दिखाते हैं आपको। सो गाइस, ये फाइनली मैं पहुंच गया, और मेरी स्कूटी ने मेरा साथ दे दिया, क्योंकि बहुत ही ऊपर चढ़ाव था ये, तो मैंने फाइनली चढ़ के दिखाई दिया। और चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं वीडियो में। बाकी ये मंदिर है यहाँ पे, एक पुराना सा मंदिर है, और जो भी है इस कैप्चर करेंगे इस वीडियो में। तो ये गाड़ी पार्क करते हैं, करके लगाते हैं। ये देखो आपको यहाँ से चढ़ना है, गाड़ी इधर लगाना है। सो भाइयों, अभी यहाँ से अपन चढ़ते हैं, और चढ़ने के बाद ये आपको एक बोर्ड मिलेगा, इंट्रेंस बोर्ड है, और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको। हर कदम कदम पे तो गाइस मैं फाइनली पहुँच गया हूँ, और यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है ऊपर। तो चलते हैं और आगे। बाकी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, आप लोग आके ऊपर कुछ खाना चाहते हो खा सकते हो। बाकी ये भोपाल का व्यू है, और ये कुछ यहाँ पे झूला वाला लगा हुआ है,
बच्चे के लिए। आइए आकर एंजॉय कीजिए, चलिए और आगे दिखाते हैं। सो भाइयों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो कितना प्यारा व्यू है। सो आप लोग इधर आओगे तो इधर आप लोग आके नीचे की तरफ तो जाना होता है थोड़ा सा, तो इधर भी आके आप लोग घूम सकते हो और मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए आगे और ये देखो, आप लोग इधर भी आके घूम सकते हो आराम से, फुल्ली एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बैठने के लिए भी बनाया गया है पेड़ के जैसा। और आपको आगे दिखाते हैं, ये सारा पहाड़ी पहाड़ है। बाकी ये देखो, ये पूरा भोपाल आपको दिखेगा इस वीडियो में, पूरे भोपाल दिखेगा आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है भाई। मुझे तो लगता है कि भोपाल की सबसे ऊंचाई यही है, आप लोग को पता होगा तो कमेंट करके बताना। और देखो यहाँ पे पहले तो ये सारा ओपन था, अब रेलिंग लगा दिया गया है। देखो आप लोग ये, सो गाइस ये देखो मैं इस साइड से आया हूँ और उस साइड का कुछ ऐसा व्यू है, सोचा कि मैं उधर का भी व्यू आपको दिखा दूँ। ये देखो उधर ही साइड से मैं आया हूँ और देखो उस साइड का व्यू, ताकि चलो और आगे दिखाते हैं आपको। सो गाइस चलते हैं अभी और आगे आपको दिखाते हैं, बाकी वीडियो को देखते रहना आगे, और भी बहुत कुछ दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए और आगे दिखाते हैं आपको कुछ कुछ। सो गाइस मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, जितना घूमना था घूम लिया और वीडियो में जो भी दिखाना था दिखा लिया। फिर आएंगे नेक्स्ट टाइम तभी। ये देखो आप लोग गाइस, यहाँ से अब ढुलाव है, यहाँ से कोई कुछ करना नहीं है, बस गाड़ी को ढुलाते जाना है, ढुलाते जाना है। गाड़ी ऑटोमेटिक ढुलेगी, आपको कुछ नहीं करना है। चलिए और कुछ आगे दिखाते हैं इस वीडियो में, कुछ भी होगा दिखाएंगे और कुछ, बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो भाइयों मुझे भूख लगा था क्योंकि सुबह से निकला हुआ था, तो यहाँ पे आके मैं खा रहा था, और खाने के बाद यहाँ से मैं जैसा निकला अपने कॉलोनी के पास, तो देखा कि मेरे कॉलोनी के मेरे भाई लोग ने ये रैली निकाल रखा है, तो यहाँ पे डीजे बजा रहे थे और भीड़ काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं इसलिए यहाँ का वीडियो को म्यूजिक को म्यूट कर दिया ताकि कॉपीराइट ना आए। तो चलिए और आगे मिलते हैं आपसे। सो गाइस मैं पहुँच गया रूम पे, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और कैसा वीडियो देखना चाहते हो ये कमेंट करके बताना, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चलिए बाय।